हेलो एवरीवन, आई एम द न्यूज़पेपर गाय। स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। अब मैं ये समझ सकता हूँ कि मेरी वीडियोस बनाने की कंसिस्टेंसी बिल्कुल उतनी ही अच्छी है जितनी तुषार कपूर की मूवीज बनाने की। इन फिलहाल के लिए मैं इसे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, और तब तक के लिए अगर आपको मेरा कोई भी वीडियो पसंद आता है तो लाइक इट, शेयर इट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बट वीडियो को शुरू करने के पहले लेट मी आस्क यू समथिंग, डू यू वॉच टीवी? टीवी इंडिया के घरों का एक इंटीग्रेटेड पार्ट बन चुका है, और इसी टीवी को इंडिया के हर घर तक पहुंचाने के पीछे कहानी है एक ऐसे गांव की जिसका नाम तक शायद आपने अब तक ना सुना हो। सितंबर 15, 1959 को बीबीसी के थ्रू दिल्ली में इंडिया का पहला टेलीविजन सर्विस शुरू किया गया, जहां यूनेस्को की मदद से सिटीजन राइट, सिविक ड्यूटी जैसे प्रोग्राम चलाए जाते थे। कहने को तो 1975 तक बॉम्बे, श्रीनगर, मद्रास, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों तक ये सर्विस पहुंच चुकी थी, लेकिन रूरल इंडिया में लोगों को अभी भी ये नहीं पता था कि आखिर टीवी होता क्या है। और इसी समय स्टोरी में एंट्री होती है इंडिया के एक विजनरी साइंटिस्ट विक्रम साराभाई की। अब अगर विक्रम साराभाई के कॉन्ट्रीब्यूशन को याद दिलाने बैठूंगा तो एक नया वीडियो बनाना पड़ेगा, बट अभी के लिए साराभाई कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस को समझते थे और वो इस सिचुएशन को बदलना चाहते थे। उस समय इंडिया एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन जैसी फील्ड्स में ग्रो नहीं कर पा रहा था, और साराभाई स्पेस साइंस की पावर का यूज करके इन सारे हर्डल्स का सॉल्यूशन ढूंढना चाहते थे। 1966 में विक्रम साराभाई को एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरमैन बनाया गया, और इसी समय नासा के साथ बात करके 1975 में उन्होंने सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट यानी कि साइट की शुरुआत की। साइट प्रोग्राम लॉन्च करने के पीछे का एक कोर आइडिया ये था कि हम नासा की पहली डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट का यूज करके टेलीविजन प्रोग्राम्स को डायरेक्टली इंडिया के रिमोट विलेजेस में ब्रॉडकास्ट कर सके। इस प्लान का एक मेजर हिस्सा ये था कि ब्रॉडकास्ट करने वाली सैटेलाइट भले ही बाहरी देश की होगी, बट हार्डवेयर जैसे कि टीवी सेट्स या डायरेक्ट रिसेप्शन इक्विपमेंट मेड इन इंडिया होंगे। अब फाइनल स्टेप ये था कि इस प्लान की पायलट टेस्टिंग किसी लोकल विलेज में की जाए, और अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता है तो इसे बाकी के विलेजेस में भी रेप्लिकेट किया जाएगा। इस प्रोग्राम के पायलट टेस्ट के लिए गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के पिच गांव को चुना गया, एंड इस प्रोग्राम को नाम दिया गया द खेड़ा कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट। लो पावर ट्रांसमीटर जो कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर मिला था, एंड लोकल प्रोडक्शन स्टूडियो दोनों को ही पिच गांव में सेटअप किया गया। इसके बाद 651 टेलीविजन सेट्स बनाए गए और उन्हें 35 किलोमीटर रेडियस में आने वाले 400 गांव के लोगों में बांट दिया गया। फाइनली 1975 की एक शाम को पिच गांव के लोगों का इंतजार खत्म हुआ, एंड फर्स्ट टाइम इंडिया के किसी रिमोट विलेज में टेलीविजन ट्रांसमिशन हो पाया। ये सब जस्ट बिकॉज ऑफ वन विजनरी पर्सन। वैसे तो खेड़ा कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट सिर्फ एक साल के लिए चलाया जाना था, लेकिन खेड़ा प्रोजेक्ट इस हिस्टोरिकल ट्रांसमिशन के साथ खत्म नहीं हुआ। इसकी अमेजिंग सक्सेस के बाद ये प्रोग्राम चलता रहा ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन प्रोसेस के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए, ताकि एक ऐसा मॉडल बनाया जा सके जो इंडिया के रूरल विलेजेस में इन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को और इफेक्टिव तरीके से पहुंचा सके। ऐसे जैसे लोकल विलेजर्स टेलीविजन के साथ फेमिलियर हो गए, गवर्नमेंट के लिए उन तक अवेयरनेस पहुंचाना आसान हो गया। खेड़ा कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट ने टेलीविजन के इम्पैक्ट को मेजर करने में भी काफी मदद की। फॉर एग्जाम्पल, इम्यूनाइजेशन के ब्रॉडकास्ट के बाद 96% लोग जिन्होंने ये प्रोग्राम देखा था वो अवेयर थे इम्यूनाइजेशन को लेकर, इंस्टेड ऑफ उन 24% लोगों के जिन्होंने ये नहीं देखा था। अब जैसा कि प्लान किया गया था, खेड़ा कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट के सक्सेस के बाद इस प्रोग्राम को इंडिया के 6 सबसे बैकवर्ड स्टेट्स के रूरल एरियाज में रेप्लिकेट किया गया, जहां विलेजर्स को हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन जैसे टॉपिक्स के लिए अवेयर किया गया। 1984 में खेड़ा कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट को अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजन के लिए यूनेस्को से सम्मानित किया गया, बट 1985 में ये डिसाइड किया गया कि पिच के इस ट्रांसमीटर को यहाँ से हटाकर चेन्नई शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन गांव वाले इस हिस्टोरिक ट्रांसमीटर से इतने ज्यादा अटैच हो चुके थे कि उन्होंने इस ऑर्डर को मानने से ही मना कर दिया और एक प्रोटेस्ट की शुरुआत कर दी। यहाँ तक कि पिच टीवी केंद्र बचाओ नाम से एक मूवमेंट भी चलाया गया। बट एट द एंड 1990 में इस ट्रांसमीटर को आखिरकार चेन्नई में शिफ्ट कर दिया गया। वैसे तो खेड़ा कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट एक गवर्नमेंट प्रोग्राम की तरह शुरू हुआ था, लेकिन ये लिटरली रूरल एरिया के लोगों के लिए एक इमोशन बन गया था। आर्थर क्लार्क, एक साइंस फिक्शन ऑथर, साइट प्रोजेक्ट की 40th एनिवर्सरी पर ये कहते हैं कि इट वाज द ग्रेटेस्ट कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट इन हिस्ट्री। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड वो लोग जो इस प्रोजेक्ट के बारे में पहले से जानते थे लेट मी नो इन कमेंट कि मैं अगर कुछ भूल गया हूँ। सो फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।